बंगाली धर्मशाला में माता की मूर्तियां बनना शुरू। कोलकाता से कुंडू परिवार पिछले 91 सालों से आ रहा है मूर्तियां बनाने, अमावस से पहले हो जाएगी तैयार। बंगाली धर्मशाला में नवरात्रि से पहले माता की मूर्तियां बनना शुरू हो चुकी है। कोलकाता से पिछले 91 सालों से कुंडू परिवार यहां मूर्तियां बनाने आ रहा है। लोगों की फरमाइश पर यहां मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है जिसका सारा सामान कोलकाता से आता है। अमावस तक मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएगी जिसे बिहार चित्तौड़ कई जगह भेजा जाएगा। हमारा ये मूर्ति मेकर जो हैं ये हमारे यहाँ पे कम से कम 91 ईयर्स इनका रनिंग में है इस साल। और इनके दादा जो श्री जोगेंद्रनाथ कुंडू वो वेरी फर्स्ट टाइम अजमेर में आए थे और उन्होंने यहाँ पे पहली मूर्ति यहाँ स्थापित की थी जो बंगाली धर्मशाला में बनाई गई अजमेर के अंदर। उसके बाद इनका कार्य धीरे धीरे बढ़ता चले गया और अजमेर के अंदर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोग बाग पसंद कर रहे हैं मिट्टी की मूर्ति, जो कि बिल्कुल ही अपने हिसाब से एक प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं जिसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। और इनकी जो मिट्टी है ये मिट्टी, लोगों की गलत भावना है कि ये बाहर से लाते हैं, ये अजमेर से ही मिट्टी परचेज़ की जाती है और चिकनी मिट्टी एंड घास बांस से ही मूर्ति बनाई जाती है। इनके तीसरी पीढ़ी जो आज की तारीख में दिखाएंगे आपको फ़ोटो में थोड़ी देर में, जो बना रहे हैं तीसरी पीढ़ी फोटो दिखा दूँ, तीसरी पीढ़ी जो है वो बना रहे हैं ये है हमारे अरुण कुंडू। और आज की तारीख में इनकी अजमेर में नाना करते हुए 30 से 35 मूर्ति छोटी से बड़ी पब्लिक के डिमांड में बनाई जा रही है। और अभी आप देख सकते हैं वो एक मूर्ति और बना रहे हैं जिसको मैं आपको दिखा सकता हूं थोड़ी देर में। और इनका जो ट्रेंड है बिल्कुल बंगाली ट्रेंड है, इसका भाषा इनकी जो बोलते हैं वेशभूषा और सब कुछ ये कलकत्ता से ही परचेज करके लाते हैं। ये वेस्ट बंगाल के एक आमता डिस्ट्रिक्ट के हैं और इस और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से बोलते हैं, आमता हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। और इसके बारे में मैं आपको और क्या बता सकता हूँ, वह ये है कि इनकी मूर्ति से किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। देन जो बोल सकते हैं अपन कि ये घास मिट्टी पानी घास जो है ही पानी बिल्कुल डाइल्यूट हो जाती है जिससे कोई प्राकृतिक को नुकसान नहीं है प्रकृति को। और ये तीन पीढ़ी है आपको दिखा सकते हैं, इनके फादर बाबा डाको तो फोटो देखी दो, इनके फादर जो है तीन कौड़ी कुंडू वो अपने बच्चों को साथ में ला के इन्होंने काम को शुरू किया और आज माता की सारी मूर्तियाँ अजमेर की इवन आपके ब्यावर तक की मूर्ति अजमेर से ही बनाई जा रही है। ये इनके साथ कितने लोगों की टीम वर्क कर रही है? ये अभी 5 जने एट प्रेजेंट ये हैं यहाँ पे, इसी घर से एक ही परिवार के जुड़े हुए 5 सदस्य जो घर पे लगे हुए हैं लगातार। और ये अजमेर से चित्तौड़ उदयपुर ब्यावर एंड देन जावर माइंस तक ये मूर्ति को बनाते हैं। ये मूर्ति के ऑर्नामेंट्स वगैरह सब लोग बंगाल से? हाँ, ये सब बंगाल की है, बंगाली ट्रेंड की बनी हुई है, सब कलकत्ता से परचेस करके लाते हैं। अस्त्र शस्त्र ऑर्नामेंट्स जितने भी हैं इनके कपड़े वपड़े जो भी हैं। कब तक कंप्लीट हो जाएगी ये मूर्ति? आपको अमावस के एक दिन पहले तक, जो स्थापना होगी उसके एक दिन पहले तक कंप्लीट कर देते हैं सारी मूर्ति को और ये अपने गंतव्य स्थानों पर रवाना हो जाती है मूर्ति यहाँ से। और यहाँ पे बंगाली समाज के जो मूर्ति है वो कब तक? बंगाली समाज का ट्रेंड है कि छठ से स्थापना की जाती है और बंगाली मूर्ति को ये बना के बंगाली धर्मशाला जो मूर्ति बैठेगी बंगाली ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो है अपनी छठ से स्थापना है और पंचमी तक ही कंप्लीट कर देंगे। मेरा नाम दीपक चटर्जी, वाइस प्रेसिडेंट बंगाली हिंदू धर्मशाला पूजा कमेटी।